नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ संजय ओझा। अभी भी मौजूद हूँ सिसिल की महत्वाकांक्षी परियोजना आम्रपाली चंद्र के कार्यालय में। अभी हम बात करेंगे यहाँ के महाप्रबंधक से, जो अभी हाल के दिनों में ही पदस्थापित हुए हैं। आम्रपाली चंद्रगुप्त जो परियोजना है, सिसिल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। और एशिया का अगर हम लोग कोयला खनन की बात करें, तो एशिया की जो सबसे बड़ी कोयला खदानों में आम्रपाली चंद्रगुप्त शुमार है। कोयला खनन कंपनी है तो स्वाभाविक है कि विस्थापन है, स्वाभाविक है कि सवाल है। तमाम सवालों पे हम बात को समझेंगे। और अब तक महाप्रबंधक का जो व्यू है, उनका क्या कुछ स्टेटमेंट रहा है, ये कोशिश रहेगा कि आप जो दर्शक हैं हमारे, उन तक ये थॉट, ये विचार है कि महाप्रबंधक क्या कुछ सोचे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हालात अभी है। आम्रपाली चंद्रगुप्त आज कोयला उत्पादन क्षेत्र में, सीसर की अगर हम लोग बात करें, तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोयला उत्पादन में आम्रपाली चंद्रगुप्त ने एक अपना एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। 9 पदस्थापित महाप्रबंधक हैं अमरीश कुमार साहब। इस कड़ी को किस हद तक आगे ले जाते हैं, तमाम मुद्दों पे इसे हम बात करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएँ इनकी हैं कोयला कामगारों के हित में, रैयत विस्थापितों के हित में। और सवाल है कि जो SC ST काउंसिल के जो लोग हैं, उनके जो तमाम इश्यू हैं, तमाम सवालों पर समझेंगे, बात करेंगे। शुक्रिया सर। अगर प्राथमिकताओं की बात अगर हम लोग करें, हमारे पहले चंद्रगुप्त सीसीएल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ऐसे में सब 3 बड़े बदलाव अगर आप करना चाहिएगा, जिसमें कि कोयला कामगारों के साथ साथ जो संगठित मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, और साथ में जो रईत हैं, उनके सवालों पे सर अगर कुछ बदलाव करने की अगर कुछ सोच है, तो सर क्या कहना चाहिएगा, ताकि कोयला कामगार जो हैं, जो आपकी बातों को सुन के उस हिसाब से मोटिवेट हो और कुछ अच्छा करने की पहल करें। आम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र जो है, यह CCL का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो उत्पादन और लोगों के, जो आसपास के गांव के लोग हैं, रैयत हैं, विस्थापित हैं, भूस्वामी हैं, उनके साथ एक समन्वय स्थापित करके उनको जो वाजिब हक है, उनका अधिकार है, वह उनको सुनिश्चित करके, और कंपनी का जो उत्पादन और उत्पादकता है उसको बढ़ाना ही यहाँ का सबसे पहला प्राथमिकता है। और आसपास के जो लोग हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनको हर ढंग, कंपनी ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ये कंपनी का जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत कंपनी बहुत सारा काम करती है, और सभी लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य चल रहा है, उसमें हमारे जो अभी माननीय हमारे CMD साहब हैं, जो कि एक महामानव हैं, जो मानवता के सभी गुणों से परिपूर्ण हैं, वो कभी भी किसी के हक को कम मिले ऐसा सोचते ही नहीं हैं। कैसे अधिक से अधिक लोगों को समाहित करके आगे बढ़ सकते हैं, तो इसी सोच के साथ, जो उनका सोच है उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो कार्य करना है, जिससे कि परियोजना का विस्तार हो सके, क्षेत्र का विस्तार हो सके, और आने वाली जो परियोजना है चंद्रगुप्त परियोजना, उससे भी कोयले का उत्पादन जल्दी शुरू हो, जिससे कि आसपास के क्षेत्र का विकास हो। आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब क्षेत्र का विकास तभी होता है जब वहाँ परियोजना खुलती है, कोयले का उत्पादन होता है, तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है। तो इन सभी चीज़ों को साथ लेकर के एक समग्र रूप से एक इसका विकास करने की जो योजना है, उस पर कार्य करते हुए सभी लोगों को साथ लेकर चलने का एक प्रयास है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें मुझे शक्ति दें, कि मैं अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो बॉस हैं, उन्होंने जो अपेक्षा मुझसे रखा है, मैं उस पर खड़ा उतर सकूं, जो आसपास के विस्थापित भू रैयत हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा